हेलो फ्रेंड्स, मैं नितेश कुमार आपका आपके यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट फॉरएवर में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। ये रिजल्ट फटाफट है, मतलब यहाँ पर कुछ कंपनीज के रिजल्ट जो डेली वाइज आते हैं वो हम देखते हैं और देख के एक अंदाजा लेते हैं कि कंपनी के रिजल्ट किस तरीके से आए। तो यहाँ पर हम आज एचसीएल टैक, विप्रो और बहुत सारी यहाँ पर कंपनीज है उसके रिजल्ट हम यहाँ पर देखेंगे, चार कंपनीज के रिजल्ट, और एक्चुअली यहाँ पर क्या हो रहा है उससे रिलेटेड यहाँ पर बातें करेंगे। बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े, रिक्वेस्ट करूंगा इन्वेस्ट फॉरएवर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट, ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन, ताकि इस तरह की वीडियो डेली बेसिस में मिलती रहे। बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर, खुद की स्टडी करें, और यहाँ पर जो कल की वीडियोज थी जाके आप एक बार देख लीजिएगा। तो यहाँ पर हम ये तो देखेंगे ये रिजल्ट, बट वहां पर चार्ट पे क्या बनता हुआ नजर आएगा उसके अकॉर्डिंग वो भी हम यहाँ पर देखते हुए नजर आएंगे। सबसे पहले हम एचसीएल टैक्स से रिलेटेड शुरुआत करते हैं। यहाँ पर एनएक्सटी डिजिटल लिमिटेड, एनएक्सटी डिजिटल लिमिटेड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस क्वार्टर के, ये लास्ट क्वार्टर के और एक साल पहले इस सेम क्वार्टर के रिजल्ट है। तो यहाँ पर आप रिजल्ट देखेंगे तो क्वार्टरली और एनुअली दोनों बेसिस पे यहाँ पर इस बार के जो रिजल्ट है, ऑपरेटिंग जो यहाँ पर इनकम आती हुई दिखाई दी है नेट, यहाँ पर वो क्या होती हुई दिखाई दी है, कम आती हुई दिखाई दी है, 26,990 लैक्सिन रुपीज के आसपास आती हुई दिखाई दी है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, लैक्सिन रुपीज, और इससे पहले 27 था, इससे पहले 27 था, यहाँ पर देखिए 26, तो यहाँ पर एक गिरावट होती हुई दिखाई दी है। इसके अलावा एक्सपेंसेस बात करें तो कंपनी के जो एक्सपेंसेस है वो यहाँ पर बैक टू बैक बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, और एक्सपेंसेस में भी यहाँ पर क्या बढ़ता हुआ नजर आ रहा है अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो कंपनी का यहाँ पर अदर एक्सपेंसेस ज्यादा होते हुए नजर आ रहे हैं, एज वेल एज डेप्रिसिएशन कंपनी के यहाँ पर ज्यादा होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वजह से यहाँ पर हम देखें तो कंपनी के जो एक्सपेंसेस है वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, किस बेसिस पे, ईयरली बेसिस पे और क्वार्टरली बेसिस पे थोड़ी सी यहाँ पर गिरावट है। तो यहाँ पर हम देखें टैक्सेस एंड ऑल सब कुछ काटने के बाद तो कंपनी यहाँ पर क्या आ गई है, घाटे में आती हुई दिखाई दी है, लगभग 4,635 लाख रुपीज का घाटा है। इससे पहले भी घाटा था, इससे पहले भी घाटा था, और ये घाटा क्या होता हुआ नजर आ रहा है, बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूँ, उस चीज पर थोड़ा सा क्या करिएगा, ध्यान दीजिएगा कि मैं यहाँ पर क्या बताता आ रहा हूँ। सबसे पहले तो ये कंपनी के रिजल्ट जो पिछली बार आए थे, ओके, और जो कंपनी लगातार यहाँ पर घाटे दिखा रही है, ओके, तो इस वजह से यहाँ पर सबसे पहले तो आपको क्या करना था, यहाँ पर इस तरीके के स्टॉक्स में एंट्री ही नहीं करनी थी, ओके, क्यों, क्योंकि ये वाले शेयर क्या कर सकते हैं, कभी भी आपको ऊपर के लेवल पे फंसा सकते हैं, जो कि इसने यहाँ पर किया भी है। यहाँ पर आप देखेंगे 643, इससे पहले भी आप देखेंगे तो 2018 में ये शेयर लगभग 800 रुपये के आसपास चलता था, तो वो भाव अभी तक नहीं आ पाया है, ओके, तो इस चीज को समझिएगा कि कंपनी के रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे तो कंपनी का जो शेयर है मुझे लगता है कि यहाँ तक आ सकता है, ओके, इस एरिया में आ सकता है, तो थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा। कंपनी अगर नंबर अच्छे अगली बार पेश करेगी तो आई वुड बी द नंबर इन द फर्स्ट पोजीशन जो आपको यहाँ पर बताता हुआ नजर आएगा, और आपको एग्जैक्टली यहाँ पर आप आउटलुक देता हुआ नजर आऊंगा। मैं अभी इसमें गाइड इसलिए नहीं करूंगा, देखो भागने को ये भाग सकता है, ऑपरेटर जो चाहे वो कर सकते हैं जिनके पास पैसे है, बट मैं आपको वो सजेशन कर देता हूँ जो यहाँ पर अच्छा हो, उसी वजह से हमारे जो स्टॉक्स है जो हम बताते हैं वो 100% के रिजल्ट दे देते हैं, जो कि मैं आपको काफी बार दिखा भी चुका हूँ और आज भी दोबारा दिखाऊंगा। तो यहाँ पर देखी जाए तो शेयर यहाँ पर बनता नहीं है, स्टॉप अगर 325 के नीचे आता है ये शेयर तो यहाँ पर याद रखिएगा ये शेयर और नीचे गिरता हुआ नजर आएगा, बट अभी स्टॉप लॉस 394 का लगा लीजिए, बाकी ये लगा लीजिए, बाकी कंपनी के नंबर में बिल्कुल भी जान नहीं है। कंपनी का जो परफॉर्मेंस है यहाँ पर सेल्स तो बढ़ती हुई नजर आ रही है बट कंपनी लगातार यहाँ पर घाटे में आ रही है और लगातार घाटा था, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। बट ऐसी ही कंपनी अगर अच्छा परफॉर्मेंस करती है तो जो ये रिजल्ट आ रहे हैं ना, जिस दिन भी अच्छा खासा 2-3 क्वार्टर के रिजल्ट अच्छे दे दिए, ये शेयर फिर यहाँ पर भी नहीं रुकने वाला, ये शेयर और ऊपर जाएगा। तो थोड़ा सा उस हिसाब से आपको क्या करना है, काम करना है। इसके अलावा हम बात करेंगे एक शेयर है नेशनल स्टैंडर्ड इंडिया लिमिटेड। देखिए शेयर यहाँ पर देखिए टोटल इनकम लगातार घटती हुई नजर आ रही है, एक्सपेंसेस ये नजर आ रहे हैं, कंपनी के प्रॉफिट की अगर हम यहाँ पर बात करें अर्निंग की, ईपीएस की, तो ईपीएस भी घटता हुआ नजर आ रहा है, प्रॉफिट भी लगभग देखिए कितना डिफरेंस आ गया, यहाँ पर 77 यहाँ पर लाख रुपीज का प्रॉफिट है, इससे पहले 1 करोड़ का प्रॉफिट था, इससे पहले 10 करोड़ का। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि क्या अंतर आता हुआ दिखाई दिया है, बट यहाँ पर आप इस पर्टिकुलर कंपनी का प्राइस देखेंगे नेशनल स्टैंडर्ड का तो यहाँ पर आप चौकन्ने रह जाएंगे, नेशनल स्टैंडर्ड तो ये कंपनी है, ओके, तो इस कंपनी का भाव कितना है, 5,348, और ये शेयर गया कितने पे, 19,000 पे गया है। तो यहाँ पर कितनी लोगों को यहाँ पर फंसाया गया है वो भी आप देख सकते हैं।
तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, ये शेयर में 22 रुपए से 19,000 की जर्नी तय करी है, और किस बेसिस पे, ऑपरेटर की बेसिस पे और कुछ नहीं। और एज वेल एज यहाँ पर देखिए, आप अगर इसके फाइनेंशियल्स पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा कि इसके फाइनेंशियल्स में ओके उतार चढ़ाव यहाँ पर रहा है। तो यहाँ पर देखिए, कभी 10 करोड़ की इनकम आ गई, कभी यहाँ आ गई, बट अगर कोई समझदार होगा तो वो यहाँ पर इसे नेट प्रॉफिट को देखने की जगह ऑपरेटिंग प्रॉफिट को ज्यादा यहाँ पर ध्यान देगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट काफी मायने रखता है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट लगातार घाटे में रही है ओके, बीच में एक आध बार यहाँ पर प्रॉफिट में यहाँ पर आया है ओके, बाकी यहाँ पर जो शेयर प्राइस जिस तरीके से भागा है यहाँ पर भागा है, इस वजह से यहाँ पर भी भागा होगा और लोगों को यहाँ पर ट्रैप किया गया होगा। तो यहाँ पर देखिए, मार्जिन घाटे में, बीच में यहाँ पर शेयर प्राइस बस ऊपर 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 और केवल ऊपर ही जाता हुआ नजर आया है। तो यहाँ पर क्या है राय, यहाँ पर राय ये है कि यहाँ पर चुपचाप यहाँ पर इस पर्टिकुलर कंपनी से जो भी पैसा आपको मिल रहा है चुपचाप कैश इन कर लीजिए। अगर भाग भी जाता है उसे किस्मत समझिएगा कि आपको वो आपकी किस्मत में नहीं था, अदरवाइज यहाँ पर शेयर में बिल्कुल भी जान नहीं है। यहाँ पर देखिए, कुछ भी इनकम नहीं है, इतना तो शेयर होना नहीं चाहिए था। यहाँ पर देखिए, SME IPO को आई थिंक इन्होंने करोड़पति बनाते हुए नजर आया, तो ऐसे शेयर से दूर रहिए। अब आएंगे विप्रो पे, विप्रो में आप यहाँ पर देखिए रिवेन्यू, कंपनी के जो रिवेन्यू है यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आई है, क्वार्टरली भी ईयरली भी, जो कि एक अच्छी बात है। बट यहाँ पर आप देखेंगे एक्सपेंसेस, कंपनी के जो एक्सपेंसेस है वो भी लगातार यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये एक्सपेंसेस ही इस कंपनी के जो मार्जिन है, प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट दोनों पे यहाँ पर असर डालता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखिए, लगभग 3136 करोड़ का प्रॉफिट था, अभी केवल 2929 करोड़ का प्रॉफिट रह गया है। एक मतलब क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है, बट ईयरली बेसिस पे परफॉर्मेंस थोड़ा सा कमजोर आता हुआ दिखाई दिया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे EPS भी घटता हुआ नजर आ रहा है ईयरली बेसिस पे, तो इसलिए थोड़ा सा चौकन्ना रहना। और इसका पीछे का वजह क्या है, अगेन एट्रिशन। यहाँ पर आप देखेंगे एम्प्लॉयज कॉस्ट, तो आप देखेंगे कि एम्प्लॉयज कॉस्ट किस तरीके से यहाँ पर इसकी बढ़ती हुई नजर आई है, तो ये एक यहाँ पर चीज है। एज वेल एज लीगल एंड प्रोफेशनल चार्जेस भी इनके लगभग कितना 2025 लाख से रुपीज के यहाँ पर लगते हुए नजर आए हैं। तो ये सारी चीजें जो यहाँ पर सोचनी होगी है। विप्रो की अगर मैं बात करूँ तो विप्रो के जो मार्जिन है वो भी यहाँ पर क्वार्टरली भी घटे हैं और ईयरली भी घटते हुए नजर आया है, जो कि एक बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है ऐसी कंपनी के लिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कंपनी का जो प्रॉफिट है ईयरली भी घटा है, और यहाँ पर बात करेंगे मार्जिन घटते हुए नजर आया ईयरली भी क्वार्टरली भी। तो इसलिए विप्रो से आपको क्या रहना है, दूर रहना है, क्योंकि जब भागेगी अच्छा भागेगी, जब गिरेगी बेकार रिजल्ट देते हुए नजर आएगी। तो विप्रो से क्या करना है आपको, दूर। अब बात करेंगे SCL टेक की। SCL टेक के नंबर एकदम धुआंधार आए हैं, बट उससे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। देखिए, मैं आपको लगातार स्टॉक्स पे स्टॉक्स बताता आया हूँ, कि हमने यहाँ पर आपको सनलॉक बताया था, सनलॉक में यहाँ पर हमें 7 डेज पहले ही बताया था, और उससे पहले भी मैंने आपको बहुत बार वीडियो यहाँ पर बनाई है कि 3300 रुपए का पैरनी स्टॉक्स ओके, 54 के टारगेट उस टाइम बताए थे, 54 के बाद इसके टारगेट मैंने बढ़ाए, मैंने इसके बाद 70 किए, और 70 के बाद मैंने 150 किए, और 180 तक ये शेयर गया है। तो एक साल के अंदर अंदर यहाँ पर ये आपको रिटर्न मिले है। इसके अलावा हमने ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स बताए हैं जो कि अच्छे खासे चले, स्टार हाउसिंग फाइनेंस, ये देखिए 3 मंथ्स पहले एक स्टॉक्स बताया था, यहाँ पर आप देखेंगे आज तक 68% के रिटर्न, 2 महीने पहले बताया था इस गिरते बाजार में, 2 महीने पहले बताया था, 68% के रिटर्न यहाँ पर मिल चुके थे। 3 महीने पहले की ये वीडियो है ओके, उस टाइम अगर हम यहाँ पर देखेंगे, और उससे पहले 5 महीने पहले बताया था ये स्टॉक्स, उस टाइम के रिजल्ट देखिए। तो 5 महीने पहले अगर मैं आपको दिखाऊं, 5 महीने पहले का मतलब क्या है, 5 महीने पहले का मतलब है अप्रैल में यहाँ पर मैंने क्या बनाई थी, इससे रिलेटेड वीडियो बनाई थी ओके। और यहाँ पर हमें कितने परसेंट के रिटर्न मिल गए, यहाँ पर देखिए थोड़े से टाइम में अप्रैल में 80 रुपए का स्टॉक्स 200 रुपए की जर्नी तय करके आया है। तो यहाँ पर एक बेहतरीन यहाँ पर रिजल्ट, सॉरी दुगना तो प्रॉफिट आपका यहाँ पर होता हुआ नजर आया है। यहाँ पर चल रहा था ये लगभग 100 रुपए के आसपास, 90 रुपए के आसपास, और बार बार मैंने आपको बताया था। और ये शेयर, तो ये चीजें पकड़नी कैसे है, यहाँ पर ये हमें तेजी का कैसे पता चला, हमें यहाँ पर इस पर्टिकुलर सेगमेंट में सुनील हेल्थ केयर में कैसे पता चला कि सुनील हेल्थ केयर में ये शेयर भाग रहा है, हमें यहाँ पर इंद्रायणी, यहाँ पर ये स्टॉक्स था बायोटेक, यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये स्टॉक्स को हमने 8-9 रुपए पे यहाँ पर कैप्चर किया था, और आज की डेट में ये शेयर 113 का हाई लगा के आया है। इसके अलावा हैप्पीएस्ट माइंड, इसके अलावा ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिन्होंने मल्टीबैगर रिटर्न दिए। तो इसके पीछे की रीजन क्या है ओके, वो मैं वीडियो में तो वैसे बताता रहता हूँ बीच बीच में, बट स्टिल यहाँ पर अगर आप और अच्छे से जानना चाहते हैं,
तो रिसर्च एनालिसिस, फंडामेंटल और टेक्निकल और मनी मैनेजमेंट, इन चार कोर्सेज जो कि इम्पोर्टेंट कोर्स है जो कि हम करा रहे हैं यहाँ पर, ओके, हमारी एकेडमी में, इन्वेस्ट फॉर एवर अकेडमी। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस है, ऑनलाइन आप पार्टिसिपेट करिए, वन ऑन वन क्लासेस यहाँ पर चल रही है लोगों की, 15,000 रुपये चार्जेस है एक ही चीज़ के लेने के लिए। बेसिक्स टू एडवांस टेक्निकल यहाँ पर सिखाते हैं, कुछ भी सिखाते हैं और उसमें ही क्या करते हैं, उसमें ही अलग बहुत ज़्यादा पैसे ले लेते हैं, 20,000 30,000। यहाँ पर ये सारे के सारी चीज़ें 15,000 में सिखाई जा रही है। 3 मंथ तक आपके साथ यहाँ पर प्रैक्टिकल लर्निंग में आपको सपोर्ट किया जाएगा। स्ट्रेटजी जो यूज़ की जाती है मार्केट में, किस तरीके से ये स्टॉक्स यहाँ पर चूज करें वो बताऊंगा, ऑनलाइन नोट्स ये सब चीज़ आपको बताएंगे। तो आप यहाँ पर 8868054051 और 8169261037 इस पर कॉन्टैक्ट करिए, कॉन्टैक्ट करके डिटेल्स ले लीजिए। बहुत पॉकेट फ्रेंडली यहाँ पर कोर्स है, ज़्यादा आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। इस कोर्स को करने के बाद मुझे लगता है कि आपको यहाँ पर अच्छा खासा बेनिफिट होगा। 15,000 तो आपके लिए मामूली बात हो जाएगी, ओके, यहाँ पर लाखों और करोड़ों रुपए यहाँ पर कमाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि जिस तरीके की यहाँ पर स्टडी आपको कराई जाती है, स्टॉक्स बताए जाते हैं, स्टॉक्स भाग जाते हैं। एमटार बताया, एमटार पहले यहाँ पर हम बात देखेंगे, पहले हमने एंट्री ली थी तब हमने पैसा बनाया था, सही टाइम पे निकल गए, फिर हमने यहाँ पर एंट्री ली फिर पैसा बनाया। केपीआईटी बार बार आपको बताता आ रहा हूँ, ओके, 170 पे वीडियो बनाई थी, 700 800 पे गया, फिर अभी यहाँ पर जब ये शेयर था तब बताई थी, अभी भी भाग रहा है, आज भी 4% भाग गया। अनुपम रसायन पे वीडियो बनाई थी, ओके, ऐसे कितने सारे स्टॉक्स हैं जिन पे वीडियो बनाई थी, अच्छे खासे शेयर यहाँ पर भागे हैं। तो यहाँ पर चीजें टेक्निकल, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, 1 मिनट में, 1 सेकंड में, चुपचाप देखती साथ, ओके, सीक्रेट ट्रेंड लाइन ये सब चीज सिखाई जाएगी। तो कांटेक्ट कर लीजिए इन नंबर्स पे, ताकि एक बार पॉज करके नंबर नोट कर लीजिए, कोर्स की डिटेल्स पढ़ लीजिए ताकि समझ में आए। एससीएल टेक बेहतरीन रिजल्ट आया है, ईयरली क्वार्टरली बेसिस पे इनकम बढ़ी है, यहाँ पर एक्सपेंसेस भी कंपनी के ज्यादा बढ़ते हुए नजर नहीं आए हैं, बट क्वार्टरली बेसिस, ईयरली बेसिस पे एक्सपेंस थोड़े से बढ़े हैं, ओके, और यहाँ पर हम देखेंगे प्रॉफिट, कंपनी का प्रॉफिट ईयरली और क्वार्टरली दोनों बेसिस पे अच्छा खासा आया है और कंपनी ने अच्छे खासे रिजल्ट पेश करे। यहाँ पर मैं आपको एक चीज दिखाऊंगा कि यहाँ पर मिले जुले रिजल्ट आ रहे हैं, ओके, और जैसे कि टीसीएस का रिजल्ट आप देखेंगे तो टीसीएस के रिजल्ट में क्या दिखाई दिया कि यहाँ पर ईयरली बेस, क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया, बट ईयरली बेसिस पे यहाँ पर मार्जिन में घटते हुए नजर आए। इसी हिसाब से एससीएल टेक के भी नंबर आए हैं। एससीएल टेक अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो देखिए मार्जिन ईयर क्वार्टरली बेसिस पे बढ़ गया, बट ईयरली बेसिस पे मार्जिन थोड़े से कॉन्ट्रैक्ट होते हुए नजर आए हैं। इस चीज को आपको क्या करना है, ध्यान देना है। और कंपनी का जो प्रॉफिट है वो यहाँ पर हाईएस्ट एवर आया है पिछले 12 सॉरी हाईएस्ट एवर तो नहीं कहूंगा, बट अच्छा खासा प्रॉफिट क्वार्टरली पिछले महीनों में आता हुआ नजर आया। कंपनी काफी बेहतरीन है, कुछ शेयर मार्केट में फ्री फ्लोट करते हैं, और एससीएल टेक के अगर हम चार्ट की बात करें, चार्ट यहाँ पर काफी बेहतरीन यहाँ पर नजर आता है। अगर ये पर्टिकुलर जो ये लाइन है, ये रेजिस्टेंस की लाइन है, देखिए कैसे 1 मिनट में यहाँ पर रेजिस्टेंस पता कर लिया, ओके, इसी चीज को यहाँ पर देखना है। जैसे यहाँ पर निकलता है ऊपर जाएगा, बाकी यहाँ पर 2 सपोर्ट मुझे यहाँ पर नजर आते हैं। सबसे पहला सपोर्ट ये नजर आता है, और दूसरे की बात करूँ तो दूसरा एक बेहतरीन सपोर्ट यहाँ पर मुझे नजर आता है। अगर इसके नीचे आता है चीजें तो यहाँ पर बिगड़ेगी, बट मुझे लगता नहीं है इसके नीचे आएगी, क्योंकि बॉटम आउट हो गया है और शेयर काफी बेहतरीन है। अगर आप यहाँ पर कुछ लेवल निकलते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे शेयर भाग जाते हैं, तो यहाँ पर जब रिसर्च की हम बातें करेंगे उस बेसिस पे मैं आपको जब टेक्निकल और रिसर्च इंक्लूड करके बताऊंगा, तो ये शेयर फिर और भागता हुआ नजर आएगा। थोड़ा टाइम ले सकता है बट भागेगा। तो इस तरीके से आपको ध्यान देना है, नंबर नोट कर लीजिए, कॉन्टेक्ट करिए, बाकी वीडियो को प्रायर दीजिए, सब्सक्राइब करिए। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।